नमस्कार दोस्तों, आज ये देखेंगे प्लेटफॉर्म किस प्रकार से बनाया जाता है। यहाँ पे देख रहे हो पूरा प्लेटफॉर्म के लिए स्ट्रक्चर बनाया गया है और यहाँ पे 19 mm का प्लाईवुड यहाँ पे रखा गया है। आप देख रहे हो दोस्तों, यदि इस प्रकार से बनाना रहता है तो आप हेवी वाला यूज कर सकते हो प्लेटफॉर्म के लिए, क्योंकि वाइब्रेट वगैरह नहीं करता है और कोई भी ऊपर की साइड में यदि वजन पड़ता है तो कोई दिक्कत नहीं रहती है। और यहाँ पे पूरा फ्रेम बनाया गया है और इसका हाइट है 1 फीट के हिसाब से यहाँ पे हाइट दिया गया है। आप देख सकते हो जो फ्रेम है, फ्रेम में यहाँ पे चौकड़ी बनाया गया है 18x18 इंच के हिसाब से यहाँ पे चौकड़ी बनाए गए हैं। और फिर यहाँ पे ऊपर की साइड में 19 mm का प्लाई है, प्लाई डायरेक्टली पहले रख देंगे और फिर उसको फिक्सिंग करते जाएंगे। दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि आने वाले कोई भी आप वीडियो मिस नहीं कर पाओ। दोस्तों यदि इस प्रकार से यदि आपको प्लेटफॉर्म अथवा स्टेज बनाना रहता है तो आप पूरा ही 19 mm के स्ट्रक्चर में बनाओ तो काफ़ी सही रहता है, कोई दिक्कत नहीं रहती। यदि आपका 12 mm रहता है तो बेंड हो जाता है, और इस प्रकार से यदि सॉलिड वाला रहता है तो कोई दिक्कत नहीं रहती, कितना भी वजन आता है तो मैनेज हो जाता है। यहाँ पे देख रहे हो जैसे प्लाईवुड है, प्लाईवुड यहाँ पे 19 mm का रख के रेडी हो गया। फिर जितना साइड से निकालना रहता है, आपको 9 इंच ही निकालना रहता है, तो 9 इंच के हिसाब से आप देख सकते हो। हमने यहाँ पे जो रखा है 7 इंच के हिसाब से यहाँ पे बाहर रखा है, तो उस हिसाब से सामने की साइड में यहाँ पर टक्कर बनने वाली 3 इंच की, तो उसके हिसाब से यहाँ पे रखा गया है। और यदि आपको प्लेटफॉर्म को फिक्सिंग करना रहता है तो नीचे की साइड में पहले फ्रेम को रख देंगे और फिर दीवार की साइड में स्क्रू मार देंगे, आगे की साइड में एल लगा के ऊपर से पूरे ब्लैक वाले स्क्रू।